मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में 18 लाख रुपए की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां कोलारस थाना क्षेत्र में बुलेट सवार बदमाशों ने व्यापारियों की आंख में मिर्ची पाउडर फेंककर रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल लाखों रुपए की लूट का मामला शिवपुरी जिले के कोलारस का है, जहां बुलेट से आए तीन लुटेरों ने एक व्यापारी की आंख में मिर्ची डालकर 18 लाख रुपए लूट कर ले गए। श्री राम दाल मिल संचालक ने बताया कि उसका भतीजा कोलारस में स्थित SBI बैंक से 18 लाख रुपए की रकम निकाल कर दाल मिल की ओर जा रहा था, तभी कोलारस थाने से महज 100 मीटर दूर तीन अज्ञात लुटेरों ने आंख में मिर्ची डालकर रुपए से भरा बैग लूट कर ले गए। 18 लाख रुपए की। कैसे, क्या हुई? मेरा भतीजा बैंक से पैसे लेके आ रहा था, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर SBI कोलारस से। तो रास्ते में गाती मंदिर थाने से थोड़ा सा आगे गाती मंदिर के पास, वहीं से किसी ने जो है उसमें मिर्ची फेंक दी। तीन लोग थे, बुलेट मोटरसाइकिल पर थे और उसमें लाद दी तो गिर गया, मिर्ची से रुक गया पहले, उसमें उसके गले पर चाकू लगा के और थैला उसको छुड़ा कर ले गया। कितने रुपए थे? 18 लाख रुपए। अब इसकी कोई शिकायत मुकदमा कराई है थाने में? हाँ, अभी थाने में उसकी क्या कहना है, पुलिस को कोई बात हुई? जानकारी लगा रहा है कोई। लूट की वारदात की खबर जिले भर में आग की तरह फैल गई, जिसकी सूचना लगते ही पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह चंदेल कोलारस पहुंचे और मौके का मुआयना किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बदमाशों द्वारा चुनौतीपूर्ण घटना को अंजाम दिया है। कोलारस के साथ साथ जिले भर में नाकाबंदी लगा दी है, बदमाशों की तलाश जारी है, जल्द ही बदमाश पुलिस के सिकंजे में होंगे। सवा से 1:30 बजे के बीच की बात है। कोलारस में एक सिंगल है जो बैंक से पैसा 18 लाख रुपये उन्होंने निकाला था और ये अपने तालमेल है वहाँ पे जा रहे हैं। अकेले थे एक्टिवा में, उनका ऐसा बताना है कि पीछे से मोटरसाइकिल पे तीन लोग आए, उन्होंने एकदम मिर्च मार दी इनके चेहरे पे, घबराए, गाड़ी की गिर गई, उन्होंने उठा के वो बैग लेके भाग गए। और बुलेट मोटरसाइकिल इनका बताना, तीन लोग बताना है, बाकी अभी क्योंकि उनकी आँख में चोट वगैरह लगी थी उससे बातचीत थोड़ी बहुत कंफर्टेबल हो गए तो और चीज़ें बात करेंगे। इनके बताने पर से AI द्वारा बताया गया था मुझे, इसमें चेकिंग वगैरह लगाई, नाकाबंदी वगैरह चालू कर दी। बहरहाल कोरोना काल में शिवपुरी पुलिस प्रशासन बदमाशों की धरपकड़ और अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने की बात करता है, लेकिन दिन दहाड़े हुई लाखों की लूट ने पुलिस के दावों की पोल खोल दी है। फिलहाल देखना होगा कि पुलिस कब तक लूट के आरोपियों को गिरफ्तार करती है। शिवपुरी से कपिल मिश्रा की रिपोर्ट।